स्लिप डिस्क हर्निएशन को कई नाम से जाना जाता है, बल्जिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, प्रोलैप्स डिस्क या फिर रप्चरिंग डिस्क। मतलब दो वर्टिब्रा के बीच की जो डिस्क है उसमें प्रॉब्लम है, वो रप्चर हो रही है या वो बल्ज हो रही है या वो प्रोट्रूड हो रही है या प्रोलैप्स्ड हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है या फिर उसमें टीयर है, दैट इज स्लिप डिस्क हर्निएशन। अब क्या होता है ये स्लिप डिस्क हर्निएशन? तो दो वर्टिब्रा होती हैं, उसके बीच में कुशन होता है या कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उसमें इंजरी होना, उसमें टीयर होना या फिर किसी स्प्रेन की वजह से या ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा मींस जैसे आप चलते चलते गिर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, सीढ़ियों से स्लिप कर गए, इन सब वजह से यदि वो दो वर्टिब्रा के बीच का जो कुशन है, कनेक्टिव टिश्यू है, यदि वो अफेक्टेड है, किसी तरह का उसमें टीयर है, वही आपका ये स्लिप डिस्क कॉज करता है। L5 की इंजरी होना या फिर L4 L5 में प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है और बहुत कॉमन टर्म्स में ये यूज होने लगा है कि हमारे कमर दर्द है, लोअर बैक एक है, L4 L5 हमारा अफेक्टेड है। बट वो क्या है? दैट इज स्लिप डिस्क हर्निएशन। क्या इसका इलाज संभव है? तो जी हाँ, होम्योपैथी इसे क्योर कर सकती है, आपके कमर दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप भारी सामान नहीं उठा सकते, जमीन पे नहीं बैठ सकते, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर सकते, आप ज्यादा चल नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को होम्योपैथी खत्म कर सकती है। डू यू वॉन्ट टू सी द रिजल्ट? एंड द रिजल्ट आर हियर। मेरा नाम प्रियंका है, मेरा जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर गरिमा अग्रवाल से पिछले 2 महीने से चल रहा है। मुझे जो दिक्कत थी वो L2 L3 L4 L5 में दिक्कत थी, नर्व कंप्रेशन था। हाँ, तो अभी काफी टाइम से मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी मुझे इम्प्रूवमेंट है। अब पेन होता है? नहीं, पेन नहीं था। ठीक है, पूरा आराम है लगभग? बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो बैक पेन, लोअर बैक पेन कई पेशेंट्स में और मैक्सिमम पेशेंट्स में देखा गया है, मोस्ट कॉमन सिम्टम है ये। ये कमर दर्द अक्सर रेडिएटिंग होता है पैरों में, नीचे थाइज में, घुटनों में या फिर काफ रीजन में, एंकल में ये पेन रेडिएट होता है और पेशेंट्स में बैक पेन इतना सिवियर होता है कि पेशेंट सीधा नहीं उठ सकता बिस्तर से, करवट लेके उठना पड़ता है, चलने में दिक्कत होगी, डिसेबिलिटी आएगी, फिजिकल मींस लिम्पिंग होने लगता है, कई लोग लंगड़ा के चलने लगते हैं। इसके अलावा नर्व कंप्रेशन देखा गया है और उस नर्व कंप्रेशन की वजह से पेशेंट में पैरालिसिस भी हो सकता है सीवियर स्टेजेस में, उस तरफ की बॉडी पार्ट कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो सकता है, और पैरालिसिस मींस लकवा। अदरवाइज मॉडरेट स्टेजेस में पैरेस्थीशिया होता है, पैरों में सुन्नपन आएगा, झुनझुनी होने लगेगी, एक अजीब सी वीकनेस रहेगी, पैरों में जैसे जान ही नहीं है। कुछ लोगों में ब्लैडर मूवमेंट्स का कंट्रोल लॉस हो जाता है, मतलब यूरिन इनवॉलेंट्री पास हो जाएगी, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा और यूरिन पास हो जाएगी क्योंकि कंट्रोल नहीं रह गया। ये कंट्रोल नर्व अफेक्शन की वजह से होता है, यदि नर्व कंप्रेशन होने लगे तो यूरिन अपने आप पास हो जाएगी, मोशंस अपने आप पास हो जाएंगे, बॉबल मूवमेंट का कंट्रोल लॉस हो जाता है, और कुछ लोगों में सेक्सुअल डिसेबिलिटी भी आती है, जैसे मेल्स में इम्पोटेंसी मींस पेनिस का इरेक्ट ना हो पाना, और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी। क्यों? क्योंकि नर्व कंप्रेशन है तो ये जेनिटल ऑर्गन्स को भी स्टिमुलेट नहीं कर पाता, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, तो डिसेबिलिटी आती है। ये इसके लक्षण हैं।